पोटका प्रखंड अंतर्गत पोटका पाठ मैदान में पोटका प्रखंड समिति तथा सूंडी समाज उत्थान समिति पोटका सह राजनगर प्रखंड के संयुक्त तत्वाधान में एक सूंडी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सूंडी समाज के काफी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए, जिसमें झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य से भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं समाज सेवी अश्विनी कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया एवं सूफी समाज के स्वर्गवासी गणमान्य लोगों की फोटो में माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौके पर एक सर ने सभी ने झारखंड में सूंडी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की एवं समाज के लोगों को एकता बनाए रखने की रूप में मांग की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सूंडी समाज के राष्ट्रीय संयोजक रणवीर भारती ने कहा कि सूंडी जाति के लोगों का एक होना होगा जिसके खातियान में सूंडी दर्ज है और वो किसी भी उपजाति के क्यों न हो सिर्फ सूंडी है। प्रदेश अध्यक्ष सनत मंडल ने कहा कि समाज के युवा वर्ग सामाजिक काम में आगे आए, सूंडी समाज के लोगों को समाज हित में एक होना होगा तभी जाकर हमारी मांग मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सूंडी जाति को अनुसूचित जाति की मांग वर्षों पुरानी मांग है, इस मांग को हम लोग हासिल करेंगे। सम्मेलन में सूंडी समाज के राष्ट्रीय संयोजक रणवीर भारती, राष्ट्रीय सूंडी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सनत मंडल, प्रदेश महामंत्री अमीन मॉडल, जिला परिषद सूरज मंडल, पिंकी मंडल, राष्ट्रीय सूंडी समाज महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविन्द्र मंडल, बंगाल सूंडी समाज के उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी, जिला अध्यक्ष सीमा मंडल, सूंडी समाज उत्थान समिति के अध्यक्ष सोमेन मंडल, उज्जवल कुमार मंडल, रीना मंडल, लखन चंद्र मंडल, आशुतोष मंडल, मुकुल मंडल, पोटू मंडल, दिलीप मंडल, विश्वजीत मंडल, विकास मंडल, रविन्द्र मंडल आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। पोटका विधानसभा अंतर्गत पोटका पाठ मैदान में राष्ट्रीय सूरी समाज एवं झारखंड सूरी समाज उत्थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में पूरे कोल्हान के लगभग सभी गाँव से हमारे सूरी बंधु उपस्थित हुए। साथ ही साथ धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, चाईवासा, पालामू, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार से भी हमारे सूरी के प्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित हुए। सूरी महान समाजसेवी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए। हमारा मांग है कि झारखंड में बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी सूरी जाति का अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। कहे कि जब हमारे ही भाई लोग बंगाल में रह रहा है और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिल रहा है, अनुसूचित जाति का सारा सुविधा मिल रहा है। हम भी एक समय बंगाल का ही हिस्सा था जब 1912 में बंगाल से बिहार बना और बिहार 36 में बिहार से उड़ीसा बना, लेकिन हम पोटका में थे, उस समय भी पोटका में थे। जब बंगाल था, बिहार बनने से पहले भी हम पोटका में थे, अभी भी पोटका में है। केवल राज का नाम में परिवर्तन हुआ है तो फिर हमें क्यों नहीं इसका हक और अधिकार हमको मिलेगा। और हक और अधिकार को लड़ाई लड़ने के लिए ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और आने वाले दिन में इस नवंबर या दिसंबर महीना में हम लोग रिगल महीना में मसाल महान सूरी सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें लगभग 30,000 सूरी का जमावड़ा होगा और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सूरी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, नहीं तो हम लोग भी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। चुनाव ही सामने है, इसमें क्या करना है? इसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव जो है, हम लोग चुनाव को ये लेकर के चुनाव कहे कि हमारा जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ रिजर्व सीट है, इसे इसको चुनाव के जरिए मैंने ये में ना देखा जाए। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमारा चुनाव होगा फिर भी हमारे आंदोलन चलते रहेगा। बहुत अच्छे तरह से हुआ, 100% लोग योगदान दिए हैं इसमें और महिला विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए हैं। महिलाएं आगे आएँ, महिला का विकास हो, महिला सशक्तिकरण हो, सब इसमें आगे आकर महिला का हर एक बात आगे आकर बोले। और बच्चों के बारे में भी समझाया गया है कि बच्चों को किस तरह से परवरिश करें, बच्चों को किस तरह की शिक्षा दें, मोबाइल से फोन से दूर रखें। जैसे आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में बिजी हो जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं, समाज के रीति रिवाजों को सीख नहीं पा रहे हैं, तो इसमें हमारे आगे पीढ़ियों के लिए क्षति पहुंचेगी। तो हम लोग चाहते हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें और पूरी एकता
जो समिति है, जो समाज को प्रत्येक जो भी घटनाएं समाज में हो रही है, विगत पाँच सालों से जो भी घटनाएं समाज में घट रही है, उसके ऊपर केंद्रित होकर हम लोग आगे काम करने का भी कोशिश करेंगे। मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ पूर्वी सिंहभूम जिला के। मैं चाहूँगी प्रत्येक महिलाएं आगे आए, मेरे साथ सहयोग दें और मैं भी उसके साथ रहूँगी, प्रत्येक महिला के साथ रहूँगी। बस इतना कहकर मैं अपनी बात करती हूँ। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।